मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। महेश, खुशखबरी है जी। आजकल अखबारों में जो संग्रामगढ़ के बारे में चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इस हालात की तमाम छानबीन का काम हमें सौंपा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पंडित, एक काम करो, आज जो मेरी मीटिंग है ना। क्या बात है महेश? सर, इस बारे में मेरा नजरिया कुछ और ही है। मेरे ख्याल से ये काम जरूर किसी स्मगलर या किसी गैर कानूनी धंधा करने वाले का लगता है, जो उस इलाके में अपना अड्डा जमाना चाहते हैं और वहाँ की जनता को वहाँ से हटा देना चाहते हैं। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो महेश, कि वहाँ रहने वालों का दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हो चुकी है। अजी, तुम तो यार। खैर, अभी इस बारे में कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। किशोर जी सर, फिलहाल तुम एक काम करो, तुम संग्रामगढ़ जाओ और वहाँ के खंडरात की तमाम तस्वीरें, मिट्टी के नमूने और पत्थर की बनावट के बारे में हमें डिटेल में भेजो जी। हाँ, वहाँ एक बाबा रहते हैं, उन्हें जरूर मिल लेना और यहाँ भेज देना। ओके सर। पंडित यस, मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो। बट सर, वो तो बहुत ही I know. एक काम करो महेश, किसी तरीके से तुम मैनेज कर लो। ठीक है सर, मैं संभाल लूंगा। चल पंडित। ओके सर। कोई खास बात सर? हाँ, अमेरिका से मेरा दोस्त जेबी आ रहा है। रहते जरूर वो अमेरिका में है, पर बात उनकी आप रोज करते हैं। वो है ही ऐसा, यंग मैन ऑफ 65, अभी भी जवानों की तरह उछल कूद किया करता है। जिंदगी में एक ही बार वो बहुत टेंशन में आया था, अपने बच्ची की पैदाइश के वक्त। वो भी क्या मिस्ट्री थी, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा इस दुनिया में आने से इनकार कर रहा हो। अमेरिका के डॉक्टर तक परेशान हो गए थे। अमेरिका के डॉक्टर्स भी? यस, बिलीव मी। लेकिन टचवुड, आज हमारा विकी हेल्दी, होनहार और बहुत ही प्यारा बच्चा है। उसकी चिट्ठियां जब तुम पढ़ोगे ना, फिर तो उनसे मिलकर भी बहुत खुशी होगी सर। हाँ, पहले तो मेरा यार आ रहा है, कुछ दिनों के बाद विकी आएगा। यार, हम दोनों ने मिलकर उसे कैसा बेवकूफ बनाया था। फिर साला नहीं ऐसा। राम राम मालिक। अरे गोमती, कैसी हो? शंभू काका की बीवी ना? जी हाँ। अच्छा, और सुनो बाबू जी। हाँ, ये होगा भोलू। जीते रहो बेटे। अरे यार, क्या आदमी है, इतने सारे जोक सुनाए फिर भी तू हंसता नहीं है। अबे घनचक्कर, हमारी बिटिया सोनिया कहाँ है? अरे आ जाएगी, तू सांस तो ले ले। अबे काट के उल्लू, मैं प्लेन में कथक कर रहा था क्या, या तेरी गाड़ी में रॉक एंड रोल? हमारी बिटिया सोनिया कहाँ है? शंभू काका, पापा ने पता नहीं अंकल को बताया कि नहीं कि मैं एयरपोर्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं उनके लिए गाजर का हलवा, सरसों का साग बना रही थी। अरे खाना पीना तो बाद में होगा, पहले मैं तेरे कान खींचने का मदद ले लूं। मेरी सोनिया। ना बेटी ना, पाँव नहीं छुआ करते, गले मिलते ताकि माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाए। Oh, my uncle, my sweet uncle, I missed you so much. I do. अजीत भैया। ओ हाय सोनिया। तुम्हें मालूम है, आज मेरे अंकल आए हैं, ऊपर बैठे हुए। तुम जाओ वहाँ, मैं कॉफी लाती हूँ। दीदी भोलू, तुम्हारा होमवर्क करवाना है ना? हाँ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अजीत, वो बुक मंगवाए थे इजिप्शियन ममीज के ऊपर। हाँ? वो ले आई हूँ लाइब्रेरी से। चलो। एक्सक्यूज मी सर, मैं बना देता हूँ, तुम जाओ। हाँ तो यार, क्या बेटी है तेरी? उम्र बेटी की, शक्ल माँ की और समझदार दादी अम्मा जैसी है ना? यानी जिस किसी को क्या चीज चाहिए सब जानती है। बेटी किसकी है? शकरकंद। इसीलिए तो मुझे हैरानी हो रही है कि ऐसा चांद सा टुकड़ा तुझ जैसे कद्दू के आंगन में कैसे आ गया। यार दीदी, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। अब तक तूने सोनिया का रिश्ता तो तय नहीं किया? जेबी, अगर मैं तुझे सच कहूं तो एयरपोर्ट से यहां आने तक मैं भी तड़प रहा था यही पूछने के लिए। विकी कमा रहा है? विकी तो, उसे कुछ काम है न्यूयॉर्क में, 4-5 दिन में आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ। तो फिर बात पक्की? नहीं, अभी नहीं, विकी को आ जाने दो, लड़के लड़की को मिल लेने दो, उसके बाद बात पक्की। यार दीदी, तेरा विकी 16 साल अमेरिका में होने के बाद न तो शराब पीता है न सिगरेट पीता है और बाप की किसी बात को इनकार नहीं करता। Ah!
इतना ध्यान रखना कि वो मेरी बेटी से शादी करने से इनकार न कर दे। ये क्या किया आपने? ओ ये नहीं, छोड़ो यार।
कुछ गुनगुनाए, कोयल भी नगमे सुनाए। हमरा भी कुछ गुनगुनाए, कोयल भी नगमे सुनाए। चंपा चंबेली गुलाबी हर मोड़ पर हुस्न गाए। ये देखिए, मैं आपके लिए ये सूट लाया हूँ। छोटे साहब, आपके लिए कोई शरबत वरबत लाऊं? हाँ, शंभू काका, बुजुर्गों का कहना है कि शरबत पिला के नहीं डर करना चाहिए। कुछ पराठे वराठे कुछ हो जाए। एक सेकंड, एक सेकंड। शंभू काका, मैं आपके लिए ये कोट लेके। अरे ये मैं पहनूंगा। अच्छा, हंस रही है, हंस रही है। शंभू काका, अब आपकी हंसने की बारी। ये देखिए मैं इनके लिए क्या लेके आया हूँ। अरे छोटे मालिक, क्या हम पहनेंगे? अरे आप इसमें बहुत यंग और ब्यूटीफुल लगेगी, रख लीजिए ना। ले पहन पहन। आप बोलो भैया, इधर आइए आप। ये देखो, हम त्योहार लिए काल आए हैं। ये टॉयज और ये टुपिया। जाओ बेटा खेलो। अरे हाँ, आपको जो नींद बहुत कम आती है ना, उसके लिए मैं ये मेडिसिन लेके आया हूँ। अच्छा, दीज आर द लेटेस्ट एंड दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट। थैंक यू बेटे। अंकल, एक बात बताइए, आपकी जो खूबसूरत बेटी है, जिन्हें हमारे फादर हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहाँ है? दुनिया की बात करें, वहाँ है। ऑलराइट ब्यूटीफुल यंग लेडी, देयर यू आर। गड़बड़ 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 गड़बड़। डैड, आपने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? डैड, आपने कहा कि सोनिया खूबसूरत लड़की है। वो तो है ही खूबसूरत। डैड, सोनिया बहुत खूबसूरत लड़की है। डैड, मैंने इतनी खूबसूरती दुनिया में नहीं देखी। लेकिन गड़बड़ हुई। व्हाई हुई? डैड, ये जो मैं इतने सारे कपड़े लेकर आया हूँ सोनिया के लिए, ये सोनिया की खूबसूरती को शोभा नहीं देंगे। अरे नहीं बेटे, बहुत शोभा देंगे। आई, इन्हें कैसे मालूम? इसलिए कि गरम गरम आलू के पराठे बन रहे हैं। अरे बेटे, म्यूजिक बाद में बजाना, पहले तुम्हारी पेरिस की रेस के बारे में बताओ। पेरिस की रेस। पेट में ना रोटी तो बात लगे खोटी। खोटी दीदी, क्या तमाजुन है? बोटी खोटी रोटी। तुम लगे रहो बेटे, जब तक शंभू काका खाना नहीं डालते, तुम जमे रहो और हम तुम्हारी संगत करेंगे। पेट में जब चूहे मचलते हैं, चेहरे पर पारा बचते हैं। जो कुछ भी है जल्दी लाओ, शंभू काका मत तड़पाओ। क्या बात कही है? तड़पाओ साहब, तड़पाने पर एक शेर याद आया। तड़प तड़प कर तड़प। शंभू काका, अगर आप दो मिनट लेट आते तो मैं तड़प कर तड़प पर एक ऐसा शेर सुनाता कि आप भी तड़प जाते। और माय गॉड, वो शेर मेरा होता, बुजुर्गों का नहीं। अरे धीरे धीरे जी, चबा चबा के ठंडा करके खाना चाहिए, यही बुजुर्गों का कहना है। इसको ना ठुकराना चाहिए। क्या नई लैंग्वेज, क्या नई जबानी जाती है इसमें। गोमती जी, इन बच्चों को देखकर दिल में ठंडक पड़ जाती है। हाँ, भगवान करे जल्दी ही इनकी शादी हो जाए। Ah!
हाँ चाचा दम लगा के हैया, कुछ भी हो जाए गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ देवी माँ का मंदिर। चलिए ना, यहाँ सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। आप क्या मांग रही हैं? मुझे तो बिन मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया। अच्छा, देखिए अकेले क्यों बैठे हो? अरे यार डीडी, दोनों को इकट्ठे देखकर कितना दिल ठंडा हो रहा है ना? अभी खोजो, दोनों को घुलने मिलने दे। चल 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 यहां से। अरे हो यार चल। परेशान हो, क्या बात है? सोनिया, तुम्हारे डैडी ने तुमसे कुछ पूछा? तुम्हारे डैडी ने तुमसे कुछ नहीं पूछा, ना ही तुम्हें कुछ बताया, और मेरे डैडी ने मुझे हुक्म दे दिया। मतलब ये कि शहनशाह जेबी ने शहजादे विकी से कहा कि हम चाहते हैं, मां बदौलत चाहते हैं एक बहू, और वो भी होगी सोनिया, और वो भी फौरन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सोनिया, मैं तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। देखो सोनिया, तुम एक अच्छी शरीफ और घरेलू लड़की हो, और मैं एक 20वीं सदी का लड़का हूं जो अमेरिका में पलकर बड़ा हुआ हूं। मैं दुनिया देखना चाहता हूं, मैं दुनिया से बहुत कुछ सीखना और महसूस करना चाहता हूं, और मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोनिया, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। हाँ, यार डीडी, लगता है हमारी खुशी से खुश होकर भगवान भी तहखे लगा रहा है। नहीं देखी, नहीं, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, मैं इनकार कर दूंगी। नहीं, अगर मेरे डैडी ने मुझे प्यार दिया है तो तुम्हारे डैडी ने भी तुम्हें प्यार दिया है। ये परेशानी मेरी, मैं ही इसे सुलझाऊंगा, मैं ही जाके इनकार करूंगा, मैं ही सुलझाऊंगा। और दीदी, जब मेरा पोता कहेगा कि दादा जान घोड़े बन जाइए, तो मैं घोड़ा बन जाऊंगा, और मैं अपने पोते को इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा। मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, मुझे और कोई मौका ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं कह पाऊंगा। फैसिनेटिंग, इस आंख में कुछ अजीब सी बात है। जैसा कि किशोर ने अपने लेटर में लिखा है कि जैसे जैसे वो इसे कुरेदता गया, ये जिंदा होने लगी, और कुछ अजीब सा महसूस होने लगा उसे। सर, ये सर जी। अरे जेबी, हाँ, ये देखो कितने फैसिनेटिंग फोटोग्राफ्स हैं खंडरात के, जहाँ हम खुदाई करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाड़ में जाए तेरी खुदाई, खंडरात खंडरात, यहाँ मेरी शादी की कार्ड ढूंढ रहा हूँ। यहाँ ये देखो कार्ड, वेडिंग कार्ड, इंडियन वेडिंग कार्ड, ये देखो। वाह, ये है शादी का कार्ड, ये देख, ये देख, घोड़ा, सफेद घोड़े पे दूल्हा बैठा हुआ, ये है मेरी पसंद। डैडी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात में कर लेना यार, मगर ये कार्ड तो देखो, कार्ड। अजी, किशोर का लेटर देने। क्या हुआ बेटे? पता नहीं, क्या हुआ था विकी साहब? अजीब सी लग रही है ना? ऐसी और बहुत सारी फोटोग्राफ्स आई हैं, जिन्हें हम प्रोजेक्शन रूम में जाकर देखेंगे। महेश, जरा फोकस देना। ठीक है जी, फोकस। हाँ, बस लाइट्स ऑन करवा दो। आइए आइए, बैठिए। हेलो महेश, रिपोर्टर सब बहुत आ गए हैं। बैठिए ना। हेलो, यस। अरे जी भी,
जर्नलिस्टों से मुझे उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिला है, देश के कोने कोने से रिपोर्ट आए हैं। यही तो, ये मौका बड़ा अच्छा है, हम क्यों ना विकी और सोनिया की शादी का ऐलान करते। नमस्ते डीडी साहब, मैं जनशक्ति से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार, मैं शिमला समाचार का प्रतिनिधि हूँ। ओ एक मिनट, हाँ आइए आइए बैठिए। देखिए रखो इन्हें, मुझे डर है अंकल कहीं प्रेस के सामने हमारी शादी का ऐलान ना करते, फिर तो हमारी शादी की बात पूरे देश में फैल जाएगी, और अगर उसके बाद तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारे और मेरे डैडी सम्मान से जीते जी मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनिया जी, यही आपके दोस्त जो अमेरिका से आए हैं, एक स्नैप हो जाए। डैडी अंदर इंतजार कर रहे हैं, तस्वीर बाद में। चलते हैं। चल बे पंडित, ले डॉक्टर। तस्वीरें बता रहे हैं, कुछ संग्रामगढ़ के बारे में खुलासा बताइए ना। हाँ बताइए ना, बताइए ना, बताइए। देखिए अभी तो मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों ने इन खंडरों के बारे में लिखा है कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती रहती हैं। अब ये काम मुझे सौंपा गया है, अब मैं खुद संग्रामगढ़ जाकर वहाँ क्या रहस्य है वो आपको बता दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पुरानी और मुर्दा चीजें तो आप लोग देख चुके, मगर अब मैं आपको एक नई और जिंदा दिली की बात सुना। एक मिनट, क्या हुआ बेटी? विकी, विकी, अरे घबराओ मत बेटी, मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि इसके बाद विकी तुमसे कभी भी दूर नहीं होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे बेटे विकी और डीडी की बेटी सोनिया की शादी तय हो गई है, और बहुत जल्द होगी। विकी, सोनिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या हो गया था मुझे, और जो हो गया वो अच्छा नहीं हुआ। अंकल ने हमारी शादी का ऐलान कर दिया, और वो ये सब क्या हो रहा है सोनिया? जो हो गया उस पे ध्यान मत दो, अब जो आगे करना है उसके बारे में सोचो। मतलब अब हमें शादी करनी पड़ेगी। देखिए ये शादी हम अपने बुजुर्गों के लिए करेंगे, लेकिन जब तक तुम चाहोगे तुम्हारा और हमारा दोस्ती का रिश्ता रहेगा। लेकिन सोनिया, विकी इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। नमस्ते नमस्ते, आइए राय साहब आइए। अरे मुबारक हो साहब आप। थैंक यू वेरी मच। भाई वो पंडित आ गए कि नहीं है? दीदी पधारिए पधारिए। नमस्ते बेटा, आप मुख्य पाई क्यों जा रहे हैं? अरे अच्छा टॉम, दीदी यही है वो आदमी जो मेरे विकी को खतरनाक काम में डालता है, यहाँ से वहाँ ले जाता है, हर चक्कर में डाल देता है, यही है वो टॉम। अब वो शादी करने जा रहा है, उससे खतरनाक कोई चक्कर नहीं है, अब शायद उसको क्लब से भी निकालना पड़े। हाँ निकालना पड़ेगा, यानी एडवेंचर क्लब से निकाल देगी वैसे? बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम माय बॉय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वज मंगलम कौंडे काक्षम मंगला विष्णु हरे स्वाहा। एक सोनिया, मुझे लगता है मैं बहुत ही मतलबी आदमी हूँ। इस समझौते की शादी से मुझे तो आजादी मिल गई, लेकिन तुम्हारी पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? हम सब इंसान एक अनजान ताकत की हाथों की कठपुतलियां हैं, और डोर उसके हाथ में, वो जब
जिस तरह नचाता है नाचना पड़ता है। लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए विकी साहब, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूं और हिंदुस्तानी लड़कियों में हिम्मत और सहन शक्ति की कोई कमी नहीं। हम पति पत्नी ना सही पहले की तरह अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हो सकते हैं और है। ये क्या? मैं सोफे पर सोने जा रहा हूं। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं या मुझ पे? सोनिया आज तो मेरी नजरों में बहुत ऊंची उठ गई हो। Thank you.
छोड़कर यहाँ आना बहुत जरूरी बात थी। पहले आप ये देख लीजिए। अब ये भी गायब हो जाएगी। इस भयानक नदी को पार करने में आज तक सिर्फ मैं ही कामयाब रहा हूं और अब विकी पार करना चाहता है। अब शादी से पहले विकी के फादर से इजाजत मांगी थी और उन्होंने ना कर दी। अब शादी के बाद आपकी इजाजत मांगनी पड़ेगी। लेकिन यह तो बहुत डेंजरस काम है। इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन यही तो थ्रिल है। अरे मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन ऐसे भी क्या मरना कि मरने के लिए मरते रहो। अरे मरो तो उसमें भी एक अंदाज हो। जियो तो ऐसे जियो कि हर एक पल में रोमांच हो, थ्रिल हो। सोनिया, मैं ये नदी पार करना चाहता हूं। लेकिन अंकल, ये दोस्त कब कमाएगा? अंकल को तुम्हें मनाना होगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके। अरे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, यानी हम आप दोनों के लिए नाच रहे हैं? ओ टॉम, ये सब चक्कर तेरे। कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या था? आपको अपनी बेटी पे विश्वास है? जी है। तो फिर आप कुछ नहीं कहेंगे? तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर आप अपने गधे से पूछेंगी कि गाने बजाने का प्रोग्राम तो करवा दिया, अब कुछ खाने का इंतजाम भी तो करवाइए। जी बिल्कुल तैयार है। तैयार है? दीदी साहब, आपके समधे हैं बड़े दिलदार। अरे राय साहब, ये तो अभी शुरुआत है। देखिए सारी रात में क्या क्या तमाशा करते हैं ये यहाँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं रात नहीं रुक पाऊंगा, जल्दी निकल जाऊंगा। क्यों सर? कल बाबा आ रहे हैं संग्रामगढ़ से। ओ हाँ, आप कौन है? ये। ओ, संग्रामगढ़ वाले बाबा, पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बैठिए। अरे सोनिया, जरा मेरा कोट तो लाना। अभी लाए। विकी याद है ना, शाम को घर में पार्टी है। अरे हाँ, अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। जल्दी आ जाना। ओके बाय। बाय। ये कौन है? ये मेरे पति हैं बाबा। ये मैंने इनको कहीं देखा है? आप क्या कह रहे हैं? ये कभी संग्रामगढ़ नहीं बाबा, ये तो पिछले महीने अमेरिका से आए हैं। कैसे कैसे बाबा? हाँ? पानी। हाँ? आप क्यों घबरा रहे? पानी पीजिए पीजिए ना। लो। शंभू काका, आप बाबा को चाय और नाश्ता दीजिए। अच्छा बेटिया। अब आप आराम कीजिए, पापा और अजीत भैया अभी आ रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। बाबा,
चलो हम तुम्हें विश्राम घर में छोड़ दें। अरे ओ भोलू। हाँ बाबा। अरे तनिक जरा बाबा को विश्राम घर में छोड़ दे। अच्छा बाबा। जाओ बाबा जाओ जाओ। ये मैं ले लूं? ले लो, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वहां जाना है ना? हाँ मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं। बाबा आ गए। आओ बाबा हा? आओ। मैं यहाँ ठीक। बाबा आपसे संग्रामगढ़ के बारे में लोग सुनना चाहते हैं। मेरे बाप दादाओं के जरिए ये कहानी मुझ तक पहुंची है। शायद उनके बाप दादाओं ने उनको ये कहानी सुनाई थी। पीढ़ियों की मंजिलों को तय करते हुए कहानी मुझ तक पहुंची और आज मेरे जरिए ये कहानी आप तक पहुंच रही है। कहते हैं हजारों साल पहले संग्रामगढ़ एक खुशहाल रियासत थी। वहां की रियाया सुख चैन की जिंदगी गुजारती थी, मगर होते होते वहां एक मगरूर घमंडी और जालिम राजकुमारी की हुकूमत आ गई। उसने जनता का जीना मुश्किल कर दिया। खून से खेलना जैसे उसकी आदत थी। उसके जुल्म और अत्याचार से तंग आकर एक दिन पूरी जनता ने बगावत कर दी। घमंडी और मगरूर राजकुमारी ने बगावत से डरकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। और उसी आत्महत्या के बाद संग्रामगढ़ की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। असल में एक जलजला आया था, एक तूफान, एक भूकंप जिसने पूरी रियासत को तहस नहस हिलाकर रख दिया था। चारों तरफ जैसे मौत के बादल मंडलाने लगे। वहां खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं होता। लोग पेट पालने के लिए सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं, मगर किसान जब अपना खून जलाकर पसीना बहाकर फसल उगाता है तो सिर्फ उतना ही पाता है कि वो दो वक्त की रोटी खा सकता हो। बाकी सारे अनाज में खुद ब खुद आग लग जाती है, सारा अनाज खुद ब खुद जल जाता है। मुझसे उन लोगों की जब हालत नहीं देखी गई तो एक दिन मैं हिम्मत करके उन खंडरों में गया। मैं चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर एक एक पत्थर से पूछा। हाँ।
बेटियां बोटियां नोच ले। अरे मजलूमों को माफ कर दे। अगर इनसे कोई जुर्म हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो उसकी सजा मुझको दे। मैं मरने को तैयार हूं। सूर्यवंशी ले आओ, मेरा सूर्यवंशी ले आओ, मेरा सूर्यवंशी ले आओ, मेरा सूर्यवंशी ले आओ। यही वो बर्बादी फैलाने वाली, यही वो जलाने वाली। अपने सुहाग को बचा ले बेटी, अपने सुहाग को बचा ले। मीठा रुक जा, मचा तू, मचा तू। बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं बाबा? ये मेरा बेटा है, कहाँ नहीं जाने दे उसे। बचा ले, मत जाने दे बाबा। बात क्या है बाबा? मचा दे उसको। इन्हें हुआ क्या? यही वो आंख है, यही वो मनहूस आंख है जो मुद्दतों से बर्बादी का तूफान फैलाए हुए है। इसी आंख से मौत की बारिश हो रही है, जिंदगी को जलाकर खाक कर रही है। मैं इस मौत को आज मार डालूंगा। बस हो गई ये मौत, आज मौत को मौत आएगी मेरे हाथों। मैं मार डालूंगा इसे। मैं साग को बुझा कर चला जाऊंगा बेटा, लेकिन तुम मत आना, तुम मत आना वहां पर। बाबा यह बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गई कि बाबा की मौत शीशे के टुकड़े से हुई, जिसने सीने के अंदर घुसकर दिल को चीर दिया। लेकिन सवाल यह है कि शीशा टूटा था तो उसके टुकड़ों को जमीन पर गिरा हुआ होना चाहिए था। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब गौर करिए, ये बिल्कुल वैसी ही कांच है। अब मैं इसको फेंकता हूँ, ये देखिए, इसके टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इन टुकड़ों पर अगर कोई गिरता है तो इधर उधर मामूली से जख्म आ सकते हैं, लेकिन उनका जख्म देखकर ऐसा लगता है कि शीशे का टुकड़ा जमीन पर सीधा खड़ा रह गया हो और वो उस पर गिरे हों, जबकि वहां की जमीन बिल्कुल प्लेन थी। फिर वो शीशे का टुकड़ा सीधा कैसे खड़ा रह गया, ये बड़ा ही रहस्यमय सवाल है जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं। यार दीदी, बाबा ने शशोपंड में डाल दिया, अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि उन्होंने विकी के चेहरे पर दाढ़ी मूछ क्यों बना दी। इन सब सवालों का जवाब संग्रामगढ़ में ही मिलेगा। अब भयानक नदी मैं बाद में पार करूंगा, पहले मैं संग्रामगढ़ का रास्ता जानूंगा। हाँ, ये मिस्ट्री तो संग्रामगढ़ में ही खुलेगी। महेश, किशोर का कुछ मैसेज आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया सर। एक काम करो महेश, पूरी तैयारी के साथ तुम रवाना हो जाओ, कुछ दिनों में हम भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि विक्की और जेबी भी साथ आना चाहते हैं। सर, विकी साहब को वहां जाने से रोकिए सर। क्यों? सर पता नहीं, मुझे कुछ वहम सा हो रहा है। मेरा तो ख्याल है कि विकी साहब की जगह अजीत बाबू को यहाँ छोड़ दिया जाए, लगता है बाबा की बातों का बहुत असर हो चुका है। महेश, अजीत बाबू ये वहम छोड़िए, बल्कि दुआ कीजिए। पिछली बार तो बस टूटी फूटी चीजें हाथ लगी थी, भगवान करे इस बार उस जमाने के कुछ हीरे जवाहरात मिले। महेश, हीरे जवाहरात की बात छोड़ो और जाने की तैयारी करो। राइट सर।
शमु काका। जी सरकार। सब सामान चेक कर लेना, कुछ रह न जाए। हेलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब तैयारी हो गई? सब तैयार है सर। किशोर का कुछ पता चला क्या? किशोर का तो कुछ पता नहीं चला सर, मैंने तो टेलीग्राम भी किया था लेकिन पता नहीं क्या बात है। महेश चला गया? वो तो कल ही चला गया था सर। सोनिया बेटी, आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मैंने 22 साल से नहीं किया है। एक लंबा मोटा डंडा ले आओ ताकि मैं इसका भरी अरे मैं महसूस करना चाहता था कि आदमी भूत को देख के डरता कैसे। अच्छा मैं भी यही महसूस करना चाहता हूँ कि आदमी डंडा बजा के क्या पीछे करता है। छोड़ो शमु का सामान। ये बाजी नहीं आता इधर का, बताइए। अजीत बाबू आप डरे नहीं? विकी साहब प्लीज स्टॉप इट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि आपको संग्रामगढ़ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अजीत बाबू आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? जी नहीं। नहीं तो हम क्यों करें? चलिए गोमती घर संभालना। अच्छा मालिक। अच्छा आपकी यात्रा सफल। आइए सरकार। राम नाम सत है, 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 राम नाम सत है। जरा गाड़ी रोको। क्यों क्या हुआ? अरे देखा नहीं काली बिल्ली रास्ता काट गई? तो अपशगुन होता है। अरे कमाल, इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी अंधविश्वास की बातें करती हो। अरे घनचक्कर रोक लेना गाड़ी एक मिनट के लिए। देखा रुकना ये जानता नहीं, बुजुर्गों की ये मानता नहीं। जाओ वापस मौसी। दीदी अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है क्या कि ये मेरा बेटा नहीं। क्या कह रहे हो जी भी? ये है मेरा बाप। डरा दिया। बुजुर्गों ने कहा है जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहता बुजुर्गों ने कहा है जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। खच्चर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं बुजुर्गों ने कहा है जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। हटकर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है।
वो भी कितना सच कहा है। तो हिसाब किताब बराबर हो गया। आई एम क्लियर। याद रखना जेबी, 700 रुपए हारा है। कैसे भूल सकता हूँ तेरी बेईमानियाँ। मेरे सर में दर्द हो गया। ये नहीं सुधरेगा। अगर मैं सर दबा दूँ चाय मिलेगी? जी हाँ, ऐसी बढ़िया चाय पिलाऊंगा कि रामगढ़ तक चटकारे लेते जाएंगे। भाई हमें रामगढ़ नहीं संग्रामगढ़ जाना है। मर गए। क्या हुआ? आप तीसरे हैं। महीना पहले चश्मे वाले गए थे, आज तक तो नहीं आए। कल कुछ मुश्तंडे गए थे, बड़े बदतमीज थे, ना आए तो अच्छा है। आप तो बड़े शरीफ हैं, ना जाए तो अच्छा है। संग्रामगढ़ में कोई खतरा है क्या? खतरा? सुनो जी, भूत प्रेत का लफड़ा है। तो फिर ये आवाज संग्रामगढ़ से आ रही है क्या? जी ये तो मेरा मोती है। तो अपने मोती से कहिए कि चुप हो जाए, क्योंकि ये अपना यार है ना अजीत, बहुत डरता है। और एंजी चाय पिलाइए, जिसका डर है ना दूर हो जाए।
यार जीडी, ये तेरा विकी जीप पिला रहा है या? अरे वो आगे कौन है लालटेन लिए? आप लोग ही वो आदमी हैं जो शहर से आए हैं? जी हाँ हम ही हैं। जी लेकिन वो आप तो दिन में आने वाले थे ना? आते आते रात हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको डाक बंगले ले चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे से आ जाओ। हाँ यहाँ। जी हाँ। इतना डरा डरा सा क्यों है? पता नहीं। विकी साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नमस्ते नमस्ते। वेलकम सर। कैसे हो? सब ठीक है? ठीक हूँ सर। नमस्ते बाबूजी। ये सब लोग इसी गांव के लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई हम इस तंबू में रहेंगे? नहीं बाबूजी, आप लोगों के रहने का तो दूसरा इंतजाम किया है। अच्छा। बिको जी, इन्हें वहाँ ले जाओ। जी मुखिया। आओ बेटी विकी सोनिया, चलो चले। जी भी तुम चलो, मैं इनसे बात करके आता हूँ। ये क्यों बैठे हैं सर? ये लोग दिन में आपका इंतजार कर रहे थे, आप लोग आए नहीं। और अब क्या है कि लोग रात में जाते हुए डरते हैं। वो क्या है ना सर, कि रास्ते में वही खंडर पड़ता है, और इन लोगों का कहना है कि खंडर में रात को किसी चुड़ैल की रोने की आवाज आती है। नॉनसेंस। किशोर नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? सर वो तो लापता हो चुका है। क्या मतलब? बाबूजी वो अचानक ही गायब हो गए थे। रोज बस वो फोटो वोटो लेते रहते थे। हाँ बाबूजी, एक दिन वो स्टेशन पे गए थे, शायद आप लोगों को शहर में फोटो भेजने के लिए। बाबूजी एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो अजीब से पागल से लगने लगे थे, अपने आप में बड़बड़ाते रहते थे। और हाँ बाबूजी, एक दिन तो वो ऐसे गायब हुए कि कुछ पता ही नहीं चला। शायद वो शहर चला गया होगा। तुम जाओ, मैं बाद में पता कर लूंगा। महेश अब तुम लोग आराम करो, सुबह मिलते हैं। नमस्ते बेटी। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। बेटी यहाँ नजदीक एक माता का मंदिर है, वहाँ सिर्फ सुहागन औरतें ही जाती हैं, और माता के आशीर्वाद से जल्दी ही मां बन जाती हैं। आप जाएंगी ना बेटी? हाँ क्यों नहीं जाएगी। अच्छा बाबूजी मैं चलता। नमस्ते। क्यों क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हो? उस मंदिर में तो सुहागने जाती हैं, मैं सिंदूर तो पहनती हूँ लेकिन सुहागन नहीं हूँ। हम लोग ने नकली शादी करके अपने अपने डैडी को तो धोखा दे दिया, पर माँ को धोखा नहीं दे सकते। हाँ। अरे तुम क्यों सीरियस हो गए? जाओ अपनी जॉगिंग करो। चलो जाओ ना। आंसू रोक लीजिए, माँ बाप के आंसू अपनी औलाद के लिए बद्दुआ होते हैं। प्लीज अंकल इन्हें रोक लीजिए। आज तक मैंने आपके मुंह से विकी को बेटा कहते हुए कम और अपने आप को बेटी कहते हुए ज्यादा सुना है। पापा अपनी बेटी की हिम्मत और तपस्या पे भरोसा कीजिए, विकी एक ना एक दिन मेरा बन जाएगा। उस दिन आप जी भर के रो लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, क्योंकि उस दिन आपके आंसू खुशी के होंगे। माँ बाप को इतनी खुशी देना चाहती है कि उनकी आंख में खुशी के आंसू हो, उस औलाद की इज्जत ऐसे ही की जाती है। मेरा आशीर्वाद है कि विकी एक दिन तुम्हारा बन जाएगा। अरे डर तो रहा हूं। चलो भाई लोग उतरो, चलो काम शुरू करो।
अजीब खंडर है, ऐसा लगता है जैसे किसी महल का ऊपर का हिस्सा हो। पत्थर से तो ऐसा लग रहा है जैसे हजारों साल पुराना हो। सर, ये तो पथरीली जमीन ना होकर लगता है कि पत्थर का पहाड़ है। साहब यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। साहब यहाँ भी पत्थर ही पत्थर है। साहब यहाँ भी पत्थर है। साहब यहाँ खुदाई नहीं हो सकती। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर खंडर हो ही ना? तुम्हारा मतलब ये है कि किसी ने ये सब यहाँ लगा रखा है? हाँ सर, लगता किसी भूत ने यहाँ लगा रखा है। क्यों रे पंडित, डर गया क्या? नहीं सर, मुझे भी लगता है यहाँ पर कोई खंडर वंडर नहीं है। अपने लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। नहीं पंडित जी, यहाँ से डर के भागे मत। यहाँ पे इसके अंदर महल का खंडर है जिस पर राज किसी महाराजा का नहीं, किसी महारानी का था। विकी, तुम तो वही बात कह रहे हो जो बाबा ने की थी। अच्छा, लेकिन मेरे दोस्त, जब बाबा कहानी सुना रहे थे तो आप तो वहां थे ही नहीं, फिर आपको कैसे मालूम? फिर किसी ने अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, किसी ने सुना दी होगी। विकी, आओ ना। ये देखो कहां पहुंच गई आपकी बेटी। जाओ बेटे, एंजॉय करो। महेश जी। सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रास्ता जरूर होगा। देखता हूँ सर। बाबूजी, मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करूँ? हाँ हाँ, उस तरफ उस तरफ उस तरफ। अरे इतना हिलो मत, एक सेकेंड, बुरा एंगल है। हाँ, अरे क्या बुरे बुरे पोज दे रही हो। अच्छा, तो क्या मैं हवा में कूदूं? हाँ कूद जाओ, एकदम परी लगोगी। ये क्या किया आपने? अरे कुछ नहीं किया, बहुत बहादुरी का काम किया है। Very well done, very nice. सोनिया, ये क्या हरकत थी? अरे कुछ नहीं होता अंकल, कुछ नहीं होता। अरे क्या बचपन है? मैं हूं ना। क्या हुआ? अजीत, किसी से कहना नहीं, मजाक उड़ाएंगे, पर मैं ऊपर से नहीं कूदी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का मारा हो। नमस्ते बाबूजी, आप हमारे छोटे से गांव में पधारे, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर। हाँ बोलो। सर, वो क्या है कि सूरज डूबने वाला है और ये गांव वाले सूरज डूबने के बाद यहाँ काम नहीं करेंगे। वो कहना सर कि ये लोग भूत प्रेत और चुड़ैलों से डरते हैं। एक का तो पेशाब भी हो गया। अच्छा बे बदसूरत, चलो चलते हैं फिर। ठीक है सर, चलो गांव वालों अपने अपने घर जाओ। अजीत, तुम क्या सोच रहे हो? चलो। सर, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि गांव वालों का डर भी दूर हो जाएगा और मुझे ये राज भी मालूम पड़ जाएगा कि रात के बाद यहाँ क्या होता है। ये एक फोटो और सोनिया, सोनिया,
सोनिया आवाज नहीं, आवाज नहीं सोनिया, आवाज नहीं। सुनो विकी साहब को, विकी साहब को जाने से रोको, डाक बंगले में न जाए, रास्ते में, रास्ते में खंडर है। वहां जैसा जैसा मेरा विश्वास था वो सच निकला, वहां वहां सचमुच के भूत प्रेत है। विकी को बताती हूं। नहीं सोनिया सुनो, तुम जानती हो कितना जिद्दी है, मेरी हालत देखेगा तो वहां जरूर जाएगा। वो नहीं जाएगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कहानी अच्छी लगी? हाँ। हा? अच्छा अब हम कल आके दूसरी कहानी सुनाएंगे, ठीक है सोनिया? क्या हुआ बाबूजी? आपने कुछ आवाज सुनी? नहीं बाबूजी। मेरा
जहन का जहर कैसे मेरे तन में आया, छोड़ दे मेरा हाथ किसी ने शायद मुझे बुलाया। ओ, 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 ओ तेरे तन का जहर कैसे मेरे तन में आया, छोड़ दे मेरा हाथ किसी ने शायद मुझे बुलाया। मेरा विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है अजीत, और तुम तो वहम का शिकार तब से थे जब तुम घर से चले थे। मेरा कहा मानो तो अपने पंडित जी की माला जपना। अरे मजाक मत करो, इसके जख्म झूठ बोल रहे हैं क्या? The place is haunted. अजीब और गरीब चीजें देखने को मिल रही। दीदी अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। विकी, वे लीविंग। क्या हुआ डैडी? क्या जरूरी है कि हर बात मैं तुझे बताऊं? सामान जीप में रख, हम लोग वापस जा रहे हैं। अरे मेरी बात क्या सुनूं तेरी बात? तू मेरी बात सुनता नहीं। We are leaving. समझे? We all leaving, you understand? Yes. We all going. ये भूचाल। आवाजें कहां से आ रही है? सर लगता तो कुछ ऐसा है कि लोग खंडर के बारे में कुछ कह रहे हैं। फिर तो पैगाम हो गया सर, चलो जल्दी चले। मैं जाऊं उनके साथ। विकी प्लीज, तू मत जा। नहीं बाबूजी, बाबूजी वो देखी, बाबूजी वो देखी, वो खड़ा खुद खुद बन गया, पता नहीं कैसे बन गया। वो देखी उधर, देखी उधर भी है और वहां भी। महेश तुम दो आदमी लेकर उधर से चलो, और तुम लोग वहां से जाओ। अजी संभल के, क्या गर्मी है यहाँ। हाँ सर वाकई काफी गर्म है। सर नीचे जाने का रास्ता। सर मैं पहले जाता हूं। ओके लेट मी गो सर। ओ माय गॉड, अजीब बात है। क्या हुआ सर? हजारों सालों से जगह जमीन कृषि दबी हुई है, लेकिन कोई वेजिटेशन नहीं, घास फूस कीड़े मकोड़े कुछ होना चाहिए। सर इधर देखिए। ओह माय गॉड, ये
ये तो वही है जिसके फोटोग्राफ हमें किशोर ने भेजे थे। सर किशोर, किशोर तो नीचे आया नहीं था, फिर उसके फोटोग्राफ उसने कैसे लिए? सर जल्दी आइए, एक अजीब चीज है यहाँ, जल्दी आइए सर। आओ मेरे साथ। साहब क्यों थे पंडित? देखो देखो, अरे महेश हीरे जवाहरात से जुड़ी फोटो देखो तो अकाड़ा। ये तस्वीर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज होगी, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट। इस तस्वीर के बारे में अगर सब कुछ पता चल जाए तो सारी दुनिया के लिए एक चौंका देने वाली बात होगी। चलो चलो हम चारों तरफ सर्वे करते हैं। अजीत साहब, वो दरवाजा खुला लगता है। चल जापानी चल। हाँ धक्का लगा। क्या कहा? हिलना नहीं। खंडरों में तो थोड़ी हरकत पर ही सांप काट लेते हैं, पर ये तो अजीत बाबू ये अपना जापानी है, अगर सांप इसे काटता तो खुद न मर जाता। देख महेश झगड़ा मत करो, ये महसूस करो कि यहाँ इतनी ठंडक क्यों है जबकि ये जगह काफी अंदर है, यहाँ तो गर्मी होनी चाहिए और यहाँ घासफूस भी है और सांप भी। ऐसा लगता है कि ये उस लड़की की माँ है। वाह, राजकुमारी उस हीरे जवाहरात के महल में और माँ इस कोने में। लगता है कि उस जमाने में भी बच्चे मामा को बुढ़ापे में बाहर फेंक दिया करते थे। महेश बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर। सर ये तो साबित हो गया किशोर नीचे नहीं आया था, वरना वो इस तस्वीर की धूल को साफ कर देता। तुम ठीक कह रहे हो अजीत, उसकी तस्वीर भी भेजता और इसके बारे में खबर भी करता तो किशोर। अरे पंडित कहाँ हो? माय गॉड किशोर, लगता है ये बेवकूफ भी पंडित की तरह बगैर देखे नीचे आ गया होगा। महेश सर मैं सर्वे करता हूं। ये सब एक ही किताब के होंगे। सर शायद इन्हीं महाशय ने ये किताब लिखी है। शट अप। सॉरी सर। इस किताब के पन्ने इकट्ठे कर लो। शाका अनवर किशोर की बॉडी नीचे उतारो। तो संस्कृत आती है, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हिंदी में बताओ। मैं संग्रामगढ़ का राजगुरु ये पुस्तक लिख रहा हूं। लिखने का कारण ये है कि संग्रामगढ़ का राजगुरु होने के नाते आने वाली पीढ़ियों को मैं ये बता सकूं कि संग्रामगढ़ की बर्बादी का कारण एक भटकती हुई आत्मा है, और वो आत्मा है राजकुमारी सूर्यलेखा की। राजकुमारी सूर्यलेखा को इसलिए राजगद्दी मिली कि पहली बार राज्य में राजमाता की कोख से किसी राजकुमार ने जन्म नहीं लिया। राजमाता की हुकूमत में प्रजा इतनी खुश थी कि उन्होंने
राजकुमारी को भी महारानी के रूप में खुशी से स्वीकार कर लिया, मगर राजकुमारी को शुरू से ही पुरुषों से घृणा थी, और ये घृणा इस हद तक थी कि उसने कभी विवाह न करने का निर्णय ले रखा था। मगर वंश को आगे बढ़ाने की चिंता में राजमाता हर समय बेचैन थे, और सूर्यरेखा विवाह न करने पर अटल। राजमहल में कोई यह नहीं जानता था कि सूर्यरेखा हर प्रातःकाल कहां जाया करती थी, ये राजमाता को भी मालूम नहीं था। न्याय के इस मंदिर के बाहर वो उस काली गुफा में जाती थी, जहां उसने ऐसे ऐसे दरिंदे पाल रखे थे जो उसकी तरफ शादी का हाथ बढ़ाने वाले हर इंसान को चीर फाड़ कर रखते हैं। लेकिन मुझे पता चल गया, और यह दृश्य मैंने राजमाता को दिखाया, कि सूर्यलेखन ने न केवल दरिंदे पाले थे पर नरभक्षक और खूनी चीते भी पाले थे। इस राज्य का शुभचिंतक होने के नाते मैंने राजमाता से यह खूनी खेल बंद करने के लिए कहा। रुक जाओ सूर्यलेखा, जिस व्यक्ति को यहां की प्रजा, राजगुरु और हम तुम्हारे लिए चुनेंगे, तुम्हें उसी से विवाह करना होगा, और उसकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। और हमने तुम्हारे लिए एक राजकुमार भी पसंद कर लिया है, और वो है राजगढ़ का कुंवर अमर सिंह। विश्वास है कि आपने मुझे अपने दिल में बिठा लिया होगा। हाँ यह सच है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। प्रेम को तपस्या और पुरुष को परीक्षा की कसौटी पर परखा जाता है, लेकिन राजमाता की आज्ञा है कि आपकी वीरता की परीक्षा ना ली जाए। मैं आपके लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। मगर सूर्यलेखा ने अपनी चतुराई से राजमाता की आज्ञा का भ्रम भी रख लिया, और विवाह के दावेदार अमर सिंह को परीक्षा की भट्टी में भी ठोक दिया।
नरभक्षक की वो बाहें जो चट्टानों को भी चूर चूर कर दिया करती थी। अमर सिंह ने उन बाहों का घेरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर सफल ना हो सका और उसने नरभक्षक की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सूर्यलेखा जहरीली मुस्कुराहट के साथ चली गई और पीछे छोड़ गई अमर सिंह की लाश। अमर सिंह की मृत्यु ने संग्रामगढ़ के सर्वनाश में पहली चिंगारी का काम किया। राजमाता, तोड़ दीजिए ये परंपरा कि राजकुमारी का विवाह होना जरूरी है, इसलिए कि इस पृथ्वी पर आपकी राजकुमारी के योग्य कोई पुरुष नहीं है। सूर्य अपना परिचय जल कर देता है और सूर्यवंशी अपना परिचय जला कर देता है। अपने साहस और वीरता की परीक्षा दोगे? मैं परीक्षा देने नहीं, परीक्षा लेने आया हूं। Thank you.
मैंने आपसे कहा था ना कि हर स्त्री के भाग्य में एक पुरुष होता है। ये क्या राजमाता, आंसू? निश्चय ही ये खुशी के आंसू होंगे। पता नहीं। कैसी लग रही हूं मैं आज? अनुपम सुंदरी लग रही हो। स्वर्गलोक की अप्सराएं भी तुम्हें देखकर ईर्ष्या से जल उठे। लज्जा आ गई। मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा में केवल दो पंक्तियां कही और तुम बसंती धूप की तरह खिल उठी। उस समय क्या होगा जब सूर्यवंशी विक्रम सिंह तुम्हारी सुंदरता के गुण गान करते करते एक महाकाव्य लिख देगा? ज्यादा लज्जाए तो मेरी तरह इस दर्पण में आकर समा जाना। मैं हमेशा तुम्हारा ही सहारा लूंगी। कितनी अधूरी थी मैं।
विक्रम, मेरे अकेलेपन की ज्वाला को बुझाकर इसे क्यों जला रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हें फिर से डंक मार सके, और तुम्हारी चीख अमर सिंह की आखिरी चीख से भी ज्यादा भयानक हो। अमर सिंह? हाँ, मेरा मित्र अमर सिंह, जिसकी तुम्हारे अहंकार ने जान ली, उसके बदले मैंने तुम्हारी जान तो नहीं ली, लेकिन मैं तुम पर ऐसा थप्पा लगा कर जा रहा हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। नहीं, छोड़ो मुझे। विक्रम, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विक्रम, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे जो भी दंड देना चाहते हो दे दो, मैं सब सहन कर लूंगी। विक्रम, विक्रम नहीं, रुक जाओ विक्रम। अगर तुम चले गए तो ना मैं शांति से जी सकूंगी, ना मर सकूंगी। विक्रम रुक जाओ, तुम्हारे लिए यही दंड है। तुम्हारा यहां से जाना केवल महारानी का ही नहीं, इस राज्य का भी अपमान है। हम सूर्यवंशी गुरु की हत्या नहीं करते। हट जाइए रास्ते से। अनुष्ठारियों ने सूर्यवंशी विक्रम सिंह को घेर तो लिया, मगर उसकी आंखों की ज्वाला के सामने धनुषधारियों के धनुष एक एक करके खुद ब खुद गिर गए। मैं जानता हूं कि तुम महावीर हो, मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मृत्यु तो मेरे वश में है। तुम्हें यहां से जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, हट जाइए मेरे रास्ते से। दिया, अब मैं उसे त्याग दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा सदा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी, और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा मेरे लिए, केवल मेरे लिए। विक्रम सिंह, मेरे हो, केवल मेरे। मैंने ये शरीर तुम्हारे प्रेम में त्यागा है,
अब तुम दूसरा जन्म लोगे। मेरे लिए विक्रम सिंह, केवल मेरे लिए, हाँ हाँ, तुम दूसरा जन्म लोगे मेरे लिए। सूर्यरेखा, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। इस जन्म के बाद मैं दूसरा जन्म कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। इतने बड़े ज्ञानी होकर आपको एक निर्दोष पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। आपको मानव धर्म का पालन करना चाहिए था। मानव धर्म, मानव धर्म, अगर मुझे मानव धर्म का पालन करना होता तो मैं उसी समय महारानी सूर्यलेखा की हत्या कर देता जब अमर सिंह मरा था। मेरे हाथों से विक्रम सिंह की हत्या नहीं होती राजमाता। मैंने मानव धर्म का नहीं, राज धर्म का पालन किया राजमाता। मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन ये नीच कर्म मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मुझे अपने आप को दंड देना होगा। मैंने फैसला किया है कि इस राजमहल में जो अंधा कुआं है उसमें रहकर अपने आप को तिल तिल मारते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। आप तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो आपको राजगुरु कहते हैं? अगर मैं उनका राजगुरु हूं तो आप उनकी राजमाता हैं। आप ही की छूट के कारण राजकुमारी सूर्यलेखा इतनी जिद्दी और अहंकारी बनी। अभी तो विनाश आरंभ हुआ है। वो दिन दूर नहीं राजमाता जब संग्रामगढ़ में कोई जीवित नहीं बचेगा और इन सब की मृत्यु की जिम्मेदार आप होंगे। हाँ राजमाता, आप होंगे। सूर्यलेखा, मैं जानती हूं तेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तू तड़प रही है, इसीलिए सब कुछ नष्ट करती जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू इसी महल में बंद होकर रह जाए, इससे कभी बाहर ना निकल सके, दिन का उजाला भी ना देख सके। में समा गया और सूर्यलेखा की आत्मा उस महल में बंद हो गई, पर इस भटकती आत्मा ने संग्रामगढ़ को नरक की भट्टी बना रखा है।
और वो सूर्यवंशी की तलाश में भटक रही है। रात के समय उन खंडरों से कोई भी गुजरे तो उस पर उसकी खंडित मूर्ति अपनी एक नीली आंख से जहर बरसाती है और चीख चीख के कहती है, सूर्यवंशी को लाओ, सूर्यवंशी को लाओ। उसकी ये तड़प संग्रामगढ़ वालों को ना तो जीने देती है और ना मरने देती है, और जब तक इसको शांति नहीं मिलेगी संग्रामगढ़ सुख की नींद नहीं सो पाएगा। और उस आत्मा से मुक्ति पाने का तरीका ये है कि बेटी आगे पढ़ना रुक क्यों गई? ये तो आखिरी पन्ना है। क्या आखिरी पन्ना? एक पन्ना तो और होना चाहिए। वो तो बात जरूरी है, पंडा उस बुरी आत्मा से मुक्ति कैसे पाएंगे? उसका पता तो चलना चाहिए। अजीत तुमने वहां बराबर देखा था ना? हाँ सर, हो सकता है कि वहीं पत्थरों में दबा रह गया हो। कमाल है भाई, सूर्यवंशी साहब ने तो अपना बदला ले लिया और कसम खाकर कि वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। चल बसे। अरे भाई मुसीबत तो गांव वालों के लिए हो गई ना। क्यों भाई? वो दोबारा जन्म ले चुका है। ओ, तो यानी कि आप भी पुनर्जन्म रूह वगैरह में विश्वास रखते हैं? नहीं। हजारों वर्ष बीत गए मां, लेकिन तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तू मेरा अकेलापन तो कुछ बांट लेती है, लेकिन लेकिन मेरा अधूरापन तू नहीं बांट सकती मां, क्योंकि जहां से मैं अधूरी हूं वहां पर समय ने धूल नहीं फेंकी, बल्कि समय तेज कटार बनकर मुझे वहीं से छीनता रहा और मैं तड़पती रही मां, लेकिन लेकिन तुझे फिर भी दया नहीं आई। लेकिन मां मेरी ये तड़प बेकार नहीं जाएगी, मेरी यही तड़प एक दिन उसे तड़पा देगी और मेरे यही आंसू उसे एक दिन रुला देंगे। मां मेरे यही आंसू से एक दिन रुला देंगे। अरे किताब क्यों चुरा रहे हैं? विदेशों में इसकी बहुत कीमत है बदसूरत। क्या हुआ? अगर अंदर में सचमुच का भूत हुआ तो? अबे साले तुझे देखकर डर कर भाग जाएगा। और अगर भूत नहीं हुई तो? तब तो बेटा अपने मजे मजे हैं, मैं उसे भागने थोड़े दूंगा। चल सूरत, पेंटिंग के चारों तरफ जो हीरे हैं ना वे करोड़ों के होंगे, करोड़ों के। एक एक उखाड़ कर ले जाएंगे। आजा आजा। अरे क्या हुआ महेश? ये टॉर्च अपने आप कैसे बुझ गई? मेरी भी नहीं जल रही, ये क्या हो रहा है? इस शीशे पर तो पेंटिंग थी, वो कहां गई? सूरत चल नीचे उतर। पहली बार मुझे समय की कटार पर दवा की दो बूंदे नजर आई है।
तो पहले उस आईने में थी। अब आईना मुझ में है और उसमें उसमें विक्रम सिंह की छवि है। जाओ, विक्रम सिंह को मेरे पास लेकर आओ। जाओ। नहीं, हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानेंगे। भाग बसुराज। किस मुसीबत में फंस गए? ये तो कुछ कुछ भूत है। साधारण मनुष्य, मिट्टी का शरीर लेकर आग से मत खेल। जा, विक्रम सिंह को मेरे पास लेकर आ। कौन ले जा सकता है इतनी कीमती किताब? कौन ले जा सकता है? सर, ये काम जरूर महेश का है। महेश? सूर्यवंशी विक्रम सिंह, तुम्हें महारानी सूर्यलेखा ने बुलाया है। अरे इसको क्या हो गया?
बाबरी की बेटी, तू सूर्यवंशी के अवतार हो। अरे ये सब झूठ है, मैं आपका विकी हूँ। तुम खतरे नहीं, मैं आपका विकी हूँ डैडी। आपका डैडी नहीं, डैडी आपका विकी हूँ। बुरी आत्मा को मैं खत्म कर दूंगा। वो आखिरी पन्ना चौधरी साहब, मुझे उस बुरी आत्मा को खत्म करना है। खंडरों में जाना। क्या कह रहे हैं? वो आखिरी पन्ना, हाँ चौधरी साहब, मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। चौधरी साहब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो चौधरी साहब, चौधरी साहब मुझे जाने दो प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे जाना है। वो आखिरी पन्ना, वो आखिरी पन्ना। इसकी जान उस शीशे में, अगर ये शीशा टूट जाए तो ये रूह भी खत्म हो जाएगी। इधर है। चलो। नहीं सोनिया नहीं, तुम नहीं चलोगे। मैं भी साथ जाऊंगी। सोनिया जाओ गाड़ी में बैठो। नहीं विक्की, मैं भी साथ जाऊंगी तुम्हारे। चलो संभाल के। अजीत, विक्रम, 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 कौन है यहाँ, कौन है यहाँ पे?
एक पत्नी सब कुछ सह सकती है मगर अपने पति का बंटवारा नहीं सहन कर सकती। ये मेरा पति सूर्यवंशी विक्रम सिंह है। ये सब बकवास है। मैं अजीत के लिए आया हूं। कहां है वो? मार डाला। वही क्रोध। पहले भी तुमने अपने मित्र अमर सिंह के लिए ऐसा ही क्रोध दिखाया था और आज भी तुम। मैं किसी अमर सिंह को नहीं जानता, ना ही मैं विक्रम सिंह हूं। मैं विकी हूं जिसके दोस्त की तूने हत्या की है। बहुत दया आ रही है उस पर। वो तो बहुत भाग्यशाली है, उसने किसी का प्रेम मिटाना चाहा, उसे मृत्यु मिली और वो भी एक पल के लिए। मृत्यु आई और उसे सुलाकर चली गई। लेकिन मुझे देखो विक्रम सिंह, मैंने भी किसी का प्रेम पाना चाहा था, मुझे भी मृत्यु मिली, लेकिन एक पल की मृत्यु नहीं, हजारों वर्ष लंबी मृत्यु। अब मुझे बताओ विक्रम सिंह, तुम्हें दया किस पर आनी चाहिए, उस पे या मुझ पर? मैं तुम पर दया नहीं करूंगा। मैं तुमसे अजीत की मौत का बदला लूंगा। मगर मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रही। तुम मेरे जीवन में अंगारे बरसा कर चले गए, पर तुम्हारे आने पर फिर भी मैंने दीपों और फूलों से तुम्हारा स्वागत किया है। विक्रम सिंह, मैं विक्रम सिंह नहीं हूं। मैं विक्रम सिंह नहीं हूं। सुना तुमने, खूनी औरत? नहीं, ये तुम्हारा जादू है। मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं फंसने वाला। चालाकी तो तुम मेरे साथ कर गए थे सूर्यवंशी विक्रम सिंह। दिनों का उजाला अपने साथ ले गए और रातों का अंधेरा मेरे लिए छोड़ गए। तब से आज तक मेरे लिए हर दिन पराया है और हर एक रात अपनी है। लेकिन आज से सूर्यवंशी विक्रम सिंह तुम्हारे लिए भी हर दिन पराया हो जाएगा और हर एक रात तुम्हारे भाग्य में होगी। अब तुम मेरे पास रहोगे, यहां मेरे साथ। हजारों वर्ष जोगन रहने के बाद आज मैं फिर सुहागन बनूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तो मेरे पति हैं। इसे पति समझते हुए तुम्हें जितने दिन हुए हैं, उतनी ही सदियों से मैं इसे अपना पति मानती आई हूं। और तुम एक सुहागन तो हो, मगर एक कुंवारी सुहागन। तुम इसके साथ एक रात भी नहीं जी सकी हो, मगर मैं इसके साथ एक रात जी भी हूं और इसी के लिए मैं हजारों रातें मरी भी हूं। तुम जिसके लिए जी या मरी होगी वो कोई और होगा। तुम्हारा विकी से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तुम तो एक आत्मा हो और ये एक जिंदा इंसान है। जब शरीर का पिंजरा उतर जाएगा तो ये भी मेरे जैसा हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। विकी, ये कोई बुरी आत्मा है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन है और ये हमारे मिलन में बाधा डाल रही है। मार डालो इसे। ये क्या किया तुमने?
लेकिन Thank you.
ये तुम्हें क्या हुआ? नहीं सुनिए, मैं भाग जाएंगे। रात होने से पहले हम संग्रामगढ़ की सीमा पार कर जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद मिलने पर भी तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? सूर्यवंशी विक्रम सिंह, अपना हट त्याग दो और मुझे स्वीकार कर लो। हाँ, हाँ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम अपने हृदय और आत्मा से मुझे स्वीकार करते हो? हाँ। क्या तुम ये भी स्वीकार करते हो कि पहली रात मुझे छोड़ देने के बाद सारा दोष तुम्हारा था? हाँ। यही हाँ सुनने के लिए मैं हजारों वर्ष तड़पती रही। माँ, सुना तुमने? माँ सुनती हो? विक्रम सिंह ने हाँ कह दी। माँ, विक्रम सिंह ने हाँ कह दी। तुम अपने न्याय और अन्याय के तराजू में प्रेम को तोलती रही और यहाँ यहाँ विक्रम सिंह ने मेरे प्रेम का उत्तर अपने प्रेम से दे दिया। माँ हाँ कह दी। हाँ, मगर एक शर्त है। तुम सोने के यहां से जिंदा जाने दोगी? ए लड़की, जाने से पहले अपना ये मंगल सूत्र तोड़ दे, क्योंकि इस मंगल सूत्र के टूटते ही
तू विक्रम सिंह के बारे में सब कुछ भूल जाएगी, सब कुछ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति किसी की यादों में भी जीवित रहे। सुना नहीं तूने? मैंने कहा तोड़ दे अपना ये मंगलसूत्र। झूठ, झूठ कहती है तू कि तू हजारों साल प्यार में जलती रही। जो चीज हजारों साल तक जलती रही हो वो तेरी तरह पत्थर नहीं हो जाती। अगर तू सचमुच एक औरत होती, अगर तू सचमुच एक सुहागन होती, तो तू जानती कि मंगलसूत्र जरूर गले में पहना जाता है, मगर इसका रिश्ता, इसका रिश्ता सांसों से जुड़ा होता है। और मंगलसूत्र के टूट जाने का मतलब सांसों का टूट जाना। तू मेरी मौत ही चाहती है ना? तो सुन, मैं मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। मैं मंगलसूत्र के बिना मर जाने से ज्यादा मंगलसूत्र के साथ मर जाना पसंद करूंगी। दे दे मौत, दे दे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक सुहागन की मौत मरूंगी जो तेरे नसीब में नहीं। नीच, मेरे भाग्य पर कीचड़ उछलती है। सूर्यवंशी विक्रम सिंह, एक साधारण लड़की की जान बचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। साधारण नहीं, इसने मुझसे प्यार जरूर किया है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इसके प्यार पर खुदगर्जी का जरा सा मैल भी नहीं जम सका। यह लड़की साधारण लड़की नहीं हो सकती। और उसका मंगलसूत्र जो मैंने बाजार से खरीद कर उसके गले में डाल दिया था, उस मंगलसूत्र की डोर को सांसों की डोर से बांध लेने वाली ये सोनिया साधारण लड़की नहीं हो सकती। और अगर साधारण कहना है तो अपने आप को कहो, अपने आप को कहो, हजारों साल जीने के बाद भी तुम एक ढाई अक्षर के प्रेम का अर्थ नहीं जान सकी। सोनिया, जो बात मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी वो मैं तुमसे आज कह रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ देर पहले तुमने जो मुझसे कहा था वो झूठ था। मैं सिर्फ सोनिया की जान बचाना चाहता था। ये मेरे लिए अपमान की चरम सीमा है और ये मेरे प्रेम की चरम सीमा है। सूर्यवंशी विक्रम सिंह, मैं तुम्हें इसे मारने के लिए फिर से विवश कर दूंगी। लेकिन यह मत भूल कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तू इस बार नहीं जीत सकती, क्योंकि अगर तेरे पास नफरत की ताकत है तो मेरे पास अब मोहब्बत की शक्ति है। Vicky!
देख कितनी नफरत है तेरे चेहरे पर, जैसे तू प्रेम नाम की किसी चीज को जानती भी ना हो। झूठ मत बोलो विक्रम सिंह, मैंने तुम्हारे प्रेम में अपनी जान दी थी। प्रेम में नहीं, तुम्हें तुम्हारे अहंकार ने मारा था। झूठ मत बोलो विक्रम सिंह, झूठ मत बोलो। ये सच है, तू इतने साल तक प्यार के लिए नहीं, तू सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति के लिए तड़पती रही। तुम्हें मृत्यु दूंगी, चाहे मुझे युगों तक फिर तुम्हारा इंतजार क्यों ना करना पड़े विक्रम सिंह। मोहब्बत का हक अदा कर दिया है, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, वो तुम्हारी तरह नफरत से नहीं तड़पेगी। विक्रम! हाँ, तू शराब है, इसलिए तेरी माँ ने भी तेरा साथ छोड़ दिया था। दे! उसे अपने प्रतिबिंब से बहुत प्यार था। मां से श्रापित यह दिन में दर्पण में रहती है, रात को दर्पण से बाहर आती है। दिन में जब ये दर्पण में समाई हो और दर्पण को कोई तोड़ दे तो ये शांत हो जाएगी, पर रात को दर्पण से बाहर हो तो उसे शांत करना केवल उसकी मां के वश में है।
हुई। शांत हो जा सूर्यलेखा और मुझे क्षमा कर दे। हां, अगर तुझमें अहंकार था तो मैं भी तो तुझे बदले की भावना में छोड़ गया था। नहीं विक्रम सिंह, क्षमा की पार्थी तो मैं हूं, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो विक्रम सिंह।